लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, जब हम खाना खाए थे तब इतना ज्यादा परेशान। हाय गर्मी, हाय गर्मी। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से मिथुन है प्योर डिंकल से। बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। तो अभी जो है बज चुके हैं सुबह के 10, और आज सुबह सुबह ही हमने इसी चला लिया 10 बजे। वो क्यों? उसके दो मेजर कारण है। पहला कारण तो ये, आज हमारे घर पे सफाइयों की छुट्टी, यानी कि आज मम्मी ने हमको अपनी जिंदगी जीने का अवसर दे दिया, आज हमको सफाइयां नहीं करानी पड़ेंगी घर पे। हाँ, और दूसरा कारण ये है, बाहर हो रहे हैं बादल, लेकिन बादल होने के बावजूद इतनी ज्यादा उमस हो रखी है, इतनी ज्यादा कि मेरा पूरा कमरा चिप 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 चिप, मतलब यहाँ हाथ लगाओ यहाँ गंदा लग रहा है, यहाँ हाथ लगाओ यहाँ गंदा लग रहा है। अब वो पसीना है तो हमारे हाथों पे ही, लेकिन वो शरीरों से निकल के बाहर की दुनिया पे चिपक रहा है, तो वो गंदा सा लग रहा है यार, मजा सा नहीं आ रहा। तो यही दो कारण है भी आज हमने सुबह सुबह अपना एसी यानी कि एयर कंडीशनर हवा ठंडा यंत्र ऑन कर लिया और अपने कमरे को ठंडा होने पर लगा दिया। क्या ठंडी हवा दे रहा है, सुबह सुबह के एसी का मजा ही बहुत है। लेकिन मेरे को ना इस एसी से एक दिक्कत है, ये साला सुबह से लेके दोपहर के 12 बजे तक बहुत ठंडी हवा देगा, जब मतलब ठीक ठाक होएगा, बिना एसी के हम रह सकते हैं उस टाइम पे भी, जनरली रहते हैं, सिर्फ आज ही चलाया। लेकिन जैसे ही बजेंगे दोपहर के 2, वोल्टेज होएगी 220 से 203, 202, भाई साहब बस डेड है स्टोरी, एसी नहीं चलता फिर ये। पेड़ नहीं, तुम ठंडी हवा एक्सपेक्ट कर सकते इस एसी से? ना बाबू ना, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन चलो कोई ना, जितनी देर ठंडा कर ले उतना ही बढ़िया। तो इसी नोट पे शुरू करते हैं आज की जर्नी, आज के एडवेंचर लेते हैं आज के दिन से एक नया हसीन एक्सपीरियंस। अब फटाफट देखने चलते भी आज हमारे ब्रेकफास्ट में क्या है, क्योंकि वी लिव फॉर फूड, फूड इज आर लाइफ। खाना नहीं तो हम कहां से, हम नहीं तो खाना कहां से। तो फटाफट देखने चलते भी आज खाने में क्या है। अरे ये क्या हो गया? ओ मेरी प्यारी मम्मी, हाँ जी, आज खाने में क्या है? आज है राजमा चावल। आपने कब राजमा चावल बनाने का प्लान बनाया? मैंने तो कल ही बना लिया था, लेकिन मैं सरप्राइज बताया क्यों नहीं? मैं सरप्राइज नहीं यार, मम्मी हो तो मेरे जैसी हो, हर दूसरे दिन राजमा चावल। हा हा हा, राजमा चावल खिला खिला के हमारे भी राजमा ठीक कर देती है मम्मी। तो फटाफट वेट करते हैं हमारे राजमा बनने की। हाँ जी, क्योंकि मेरे मेरे को पता है मेरे बच्चों को राजमा चावल बहुत पसंद है। ऐसी मम्मी होनी चाहिए सबकी। तो फटाफट जैसी राजमा चावल बनते हैं फिर आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक तो हम अपनी वीडियोस कंप्लीट करेंगे। आज की हम सारी एक्ट मेरी कंप्लीट करेंगे, जितनी वीडियो है सारी देख डाल रहे हैं, एक भी नहीं छोड़नी हमने आज। तो फाइनली हेयर इज आर ब्रेकफास्ट, राजमा चावल, लस्सी, खीरे और प्याज। अब इनको टेस्ट करके तो दिखाऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि यू कांट गो रॉन्ग विद राजमा चावल। तो फटाफट खाता हूँ फिर मिलता हूँ आप लोगों से। तो फाइनली अब जाके ड्रिल का शोर है वो कम हुआ है, वो भी क्यों कम हुआ है, लाइट चली गई यार, वैसे ज्यादा ही नहीं जाने लग गई लाइट। पंजाब में तो आई गेस कुछ क्राइसिस वगैरह भी आ रखे हैं गर्मी करके, लेकिन चलो कोई ना, होप फॉर द बेस्ट, जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, जब हम खाना खाए थे तब इतना ज्यादा परेशान करा ना उस ड्रिल ने, इतना ज्यादा कहन की हद नहीं। मैंने उस टाइम पे व्लॉग भी करना था लेकिन मैं नहीं कर पाया, सिर्फ उस ड्रिल के कर, और सीधा कानों में इतनी गंदी आवाज जा रही थी ना, हो उस चीज को तो याद करके भी अभी घबराहट हो रही है। अभी थोड़ी सी शांति हुई है क्योंकि लाइट ही नहीं, ऑब्वियसली ड्रिल कहाँ से चलेगी, लेकिन जैसी लाइट आएगी वैसे फिर से बड़ी गंदी मिमिक्री है वैसे ड्रिल की आवाज की। लेकिन चलो कोई ना, अब लाइट भी गई, अब क्या ही कर सकते हैं, आराम से इंस्टाग्राम ही स्क्रॉल करो यार। वैसे मैंने देख लिया आजकल ना बहुत ही ज्यादा बोरिंग टाइम चल रहा है। अच्छा बाहर जाना मैं वैसे ही प्रेफर नहीं करूंगा, क्यों? एक तो गर्मी बहुत ज्यादा और लाइट भी आ गई, चलो शुक्र है। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है और वैसे भी थोड़ा सा इस टाइम पे सर्दियों में घूमने का मजा है, गर्मियों में तो कहीं घूमने का मजा। तो देखते हैं, बनाते हैं कोई जल्दी प्लान घूमने का, वैसे तो अभी जाके ही आए थे लेकिन जल्दी बनाएंगे दोबारा पहाड़ों का। सो हे गाइस, अभी जो है बज चुके हैं शाम के 5 और मैं अपना नारियल पानी लेके बाहर वॉक करने आ गया हूँ, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रखा है, एकदम बादल बादल से हो गया और काफ़ी हद तक टेम्परेचर भी गिर गया, ऑलमोस्ट 34-33 पहुँच गया। तो मैं सोचा चलो इसी बहाने थोड़ा बहुत
बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा व्लॉग एंड करते हुए, और थोड़ा बहुत वॉक भी हो जाएगी। तो फटाफट मैं खत्म करता हूँ अपनी वॉक खत्म करता हूँ, फिर इस वीडियो को एंड करता हूँ। फाइनली डन विद माई क्यूट सी वॉक, ज्यादा नहीं चला, थोड़ा बहुत ही चला क्योंकि ज्यादा मेरे में चलने का दम भी ना, मेरे से वेदर इंजॉय करने आया था, थोड़ा बहुत प्यारे से शॉर्ट्स लेने आया था आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग भी थोड़ी सी कर दिया करो यार, लाइक वगैरह कर दिया करो, थोड़ा यहाँ पे जहाँ पे भी दिल होता है वहाँ को ना तड़ मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाता है। तो बच चुके हैं शाम के 5 और आज का ब्लॉग एंड करने का भी टाइम आ चुका है, अब कुछ ज़्यादा दिखाने को तो है ही। और हाँ, एक और बात, जल्दी हमारा एक और जगह घूमने का प्लान बन रहा है, तो टाइम है थोड़ा सा, कोविड वगैरह की सिचुएशन और गर्मी वगैरह की सिचुएशन देख के ही जाएंगे, लेकिन बन रहा है, हाँ बन रहा है, उम्मीद रखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो इसी नोट पे करते हैं आज की वीडियो को एंड, होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कल फिर मिलेंगे एक नवी जर्नी, एक नवी एडवेंचर, एक नवी एक्सपीरियंस, टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल।